ताज नगरी आगरा में आज शराब के ठेके खुलने के बाद शराब प्रेमियों का बेपनाह शराब प्रेम दिखाई दिया। यहां थाना सदर के रोहता नहर चौराहे पर बारिश होने के बावजूद मदरा प्रेमी लाइन में लगकर शराब खरीदते दिखाई दिए। एक घंटे की बारिश के भले ही वो तर बतर हो गए, लेकिन शराब लिए बगैर घर नहीं गए, ना ही अपनी लाइन से किनारे हटे, क्योंकि अगर वह लाइन से किनारे हटते तो शायद दोबारा शराब लेने में उन्हें काफ़ी समय लग जाता। इस दौरान जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो लोग बहाने बनाते भी नज़र आए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पुलिस यहां अपना कार्य कर रही थी, वहीं अधिकारी भी पल पल की खबर लेते नज़र आए। वहीं लंबी लाइनें लगी रही थी और कभी कभी तो सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में नहीं रख रहे थे और काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी। तो देखिए हमारे साथ तस्वीरों में किस प्रकार वर्षा हो रही है, उसके बावजूद भी शराब प्रेमी शराब लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस प्रकार तस्वीर में स्पष्ट दिखाया जा रहा है कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के काफ़ी समय बाद आज आगरा में एक बार फिर दुकानें खुलने के कारण लोगों में काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है। किस तरह से ये जो आदेश दिया गया है जिलाधिकारी महोदय की तरफ से, उसके क्रम में खुल रही हैं दुकानें, तो उन्हीं दुकानों का सर्वे करना है, देखना है कि किसी कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, कोई भी इस तरीके से ना दूरी मेंटेन की जाए, ये तरीका देखना है यहाँ पर हर एक चीज़ को, ये प्रॉपर स्टॉक लेके सब सर्वे किया जा रहा है। पुष्पेंद्र सिंह, किस तरह से आप शराब बेच रहे हो, किसके दामों पे बेची जा रही है, किसके दामों पे शराब बेची जा रही है, एमआरपी से लेकर बेची जा रही है, एमआरपी से बिक रही है सर, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है, पूरा ध्यान आप देखिए सर बाहर। कितने दिन बाद आज ये दुकानें खुली है? आज 46 दिन बाद। डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। दुकानें 40 दिन बाद बोली, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आने में हमें खुशी हो रही है। कितनी बोतल लेने आए? तो हम तो 2 कार्टन लेने आए हैं। जरूरी है पीना? ये पीना जरूरी नहीं है, हमारे किसी दोस्त ने कहा था। तो दोस्त तो नहीं आए आपके वहाँ लेने? वो आए हैं, वो खड़े हैं वहाँ पे, उनके पास आधार कार्ड नहीं है ना। आधार कार्ड से मिल लीजिए भाई, चाहे आधार कार्ड से मिले, इसलिए हम आधार कार्ड लेके चले हैं। Thank you.
इस समय मौजूद हो आप मेरे साथ ब्लॉक बरौली हीर की ग्राम पंचायत नैनाना जाट और रोहता के मध्य अंग्रेजी शराब के ठेके पर। वहीं ये आगरा ग्वालियर रोड है, थाना सदर लगता है। इस पर देख सकते हो किस प्रकार लॉकडाउन के शुरू यानी 22 मार्च जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन जारी रहा और लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है। इसके बावजूद आज दुकानें खुली हैं, शराब की, देसी शराब और अनेक अनेक प्रकार की शराब की दुकानें खुली हैं। तो आप देख सकते हो किस प्रकार एक लंबी भीड़ लाइन लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का कतई ध्यान नहीं रखा जा रहा। आप देख सकते हो तस्वीरों में किस प्रकार लोग एक दूसरे के नज़दीक हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का कतई ध्यान नहीं रखा जा रहा। वहीं अधिकारी पल पल पर ठेकाओं की समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार की व्यवस्था है, गोले कड़े हैं कि नहीं कड़े हैं, कैमरे लगे कि नहीं लगे। इस प्रकार अधिकारियों के जाते ही एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाती हैं। मेरे साथ आप देखते रहिए तस्वीरों में। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।